Hello guys, welcome to my channel and today I am very excited friends because मैंने एक gimbal मंगाया था specially vlogging के लिए, जिसका नाम है DJI Mobile SE, ठीक है, जो specially DJI brand का है gimbal है, तो वो आज मेरे पास आ चुका है, मैं आप लोगों को specially मैं ये vlogging के लिए ही मंगाया हूँ friends और आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, DJI का मोबाइल SE, ठीक है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसकी फीचर्स और इसमें क्या क्या मिलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें पहले आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है, ठीक है, ये एक ये दिया हुआ है और उसके बाद ये सारे एसेसरीज है, मैं एक एक करके दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें और कैसे कैसे वर्क करता है, ठीक है। सबसे पहले मैं इसमें देखता हूँ कि ये इसमें क्या रखा हुआ है, ठीक है, इस पे ये पाउच था, ठीक है, जिसपे हम लोग गिम्बल को कैरी कर सकते हैं, देख सकते हैं आप ये, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये। अब मैं चलता हूँ इसके नेक्स्ट एसेसरीज, ये रहा बॉक्स पे क्या क्या सिस्टम, ये रहा गिम्बल का ट्राईपोड, ये गिम्बल DJI गिम्बल के नीचे लगेगा जो इसके स्टैंड हो गया, ठीक है, ये आप देख सकते हैं इस टाइप से खुलता है ट्राईपोड स्टैंड के लिए, ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट मैं दिखाता हूँ और क्या है, ये रहा इसमें एक केबल भी दिया हुआ है, माइक्रो USB टू टाइप सी, ठीक है, ये केबल है जिससे हम लोग अपने गिम्बल को चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं ये रहा हमारा मोबाइल होल्डर, देख सकते हैं DJI के ब्रांड, ये मैग्नेटिक है पूरा फ्रेंड्स। अब लास्ट में मैं दिखाता हूँ जो हम लोग का शो का सबसे औसम चीज अभी है, ये रहा DJI का ये रहा गिम्बल ओजमो मोबाइल SE, जो कुछ इस प्रकार से ओपन होता है फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रहा। इसका खासियत फ्रेंड ये है कि यहाँ पर ये पूरा मोबाइल को स्टेबल रखता है, मतलब कोई भी हम लोग वीडियो शूट करते हैं तो उसको पूरा स्टेबल रखेगा ये, ठीक है। अब इसमें मोबाइल कैसे कैसे फिट करते हैं मैं आप लोगों को वो दिखाता हूँ, ठीक है। तो बॉक्स पे सारे बॉक्स पे यही कुछ था, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ हाउ टू कनेक्ट फोन, तो ये रहा मेरा फोन, ये रहा मोबाइल का होल्डर, इसको पहले बीचों बीच में लगाना है फ्रेंड्स, ये रहा मोबाइल के बीचों बीच पहले इसको लगा देना है, ठीक है। उसके बाद ये रहा गिम्बल और ये रहा मोबाइल होल्डर, मैं इसको बोल रहा था ये मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक क्यों है, देखिए ये मैग्नेट की तरह चिपक गया, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं कि ये पूरा लूज है, अब इसको मैं ऑन करूंगा तो आपको दिखाता हूँ इसका खासियत क्या, तो मैं इसको ऑन करता हूँ पहले फ्रेंड्स, जैसे मैंने इसको ऑन किया ये ऑटोमेटिक ये सीधा हो चुका है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर जो ये जॉयस्टिक है इससे हम लोग मोबाइल को रोटेट कर सकते हैं, इस टाइप से देख रहे हैं आप, इस टाइप से रोटेट हो रहा है, इसको लेफ्ट करते हैं तो लेफ्ट राइट होता है, तो राइट करते हैं और इसको डाउन करते हैं तो ये अप, ठीक है, इसको अप करते हैं तो ये डाउन हो जाता है। इसी तरह हम लोग अगर मोड चेंज करना है, तो इसमें एक बटन है फ्रेंड्स, इसको हम लोग डबल क्लिक करते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इससे हो जाता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये रहा, डबल क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये हो गया वर्टिकल और डबल क्लिक पे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों हो जाता है। तो ये रहा DJI का ओजमो मोबाइल SE, ठीक है। तो अब मेरे वीडियो में आप लोगों को स्टेबिलिटी दिखेगा प्लस वीडियो शूट करने का जो कहानी है ये वो इस टाइप से वो औसम रहेगा, ठीक है। इसका सर बहुत सारा फीचर्स है फ्रेंड्स, मैं आपको धीरे धीरे दिखाऊंगा, एक्टिव ट्रैक वगैरह है, बहुत कुछ भी है इस पर, तो मैं उसको दिखाऊंगा। फिलहाल अब देखते हैं कि ये ट्राईपोड कैसे वर्क करता है, ये तो हमारा हो गया गिम्बल में अटैच होकर फ़ोन, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ पे स्टेप से लगाएंगे,
मैं लगा के दिखाता हूँ पहले आपको। इस टाइप से अगर मान लीजिए आपको हाइट चाहिए फ्रेंड्स, तो आप इससे इसके थ्रू भी आप हाइट ले सकते हैं। ठीक है, ब्लॉग करने के लिए स्पेशली जो रहता है हम लोग इस मोड पे चाहिए होता है, तो इस मोड पे इजीली हम लोग ब्लॉग कर सकते हैं। निम्को आप यहाँ से भी कर सकते हैं, और ये हो गया स्पेशली स्टैंड, हो गया आप स्टैंड रख करके इसको ट्राइपॉड मोड पे आप आराम से एक्टिव मोड पे शूट कर सकते हैं वीडियो को। तो ये रहा हमारा गिम्बल। चलिए मिलते हैं आप लोग इसके फीचर के साथ। इसका क्या क्या फीचर्स है नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगा इसका फीचर्स क्या क्या है। ओके, तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं।